हम सब मित्रों के साथ रहना चाहते हैं, शत्रुओं से दूर रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें जीवन में आनंद पाना है, जीवन में आगे बढ़ना है, स्वयं को संपन्न देखना है। और यदि किसी से भी आप पूछेंगे कि जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे अधिक आवश्यकता किसकी होती है, तो हर एक आपको लगभग एक ही उत्तर देगा। सफलता प्राप्त करने के लिए आपको सच्चे मित्रों की आवश्यकता होती है। परंतु यदि आपको और अधिक सफल होना है, तो आपको केवल मित्रों की नहीं, शत्रु की अधिक आवश्यकता है। अब आप कहेंगे, ये मैंने कैसी बात कर दी? तनिक स्वयं सोचिए। जब भी संकट आता है, तो मित्र क्या करते हैं? आपकी सहायता करने के लिए आपके साथ खड़े हो जाते हैं। और संकट के समय में शत्रु और बड़ा संकट बनकर हमारे समक्ष खड़े हो जाते हैं। मित्र हमें सहायता देते, अपनी शक्ति देते हैं, परंतु शत्रु आपके भीतर छिपी शक्ति को बाहर लाता है, आपको और अधिक बलवान बनाता है। कभी खेत में किसी किसान को खेती करते देखा है? वो उसे सींचता है, उसे जोतता है, पशु पक्षियों से खेत की फसल की रक्षा करता है। परंतु एक बात का वो सबसे विशेष ध्यान रखता है कि कहीं खेत में खरपतवार ना उग जाए, क्योंकि एक खरपतवार खेत की सारी फसल को नष्ट कर सकती है। ठीक उसी प्रकार यदि वंश की कोई संतान खोटी निकल जाती है, तो वो समूचे वंश का सर्वनाश कर देती है। इसीलिए संतान के लालन पालन में विशेष ध्यान देना आवश्यक होता है, क्योंकि संतान वो फसल होती है जो वंश के आने वाले समय को महान बना सकती है, या फिर वंश का पतन भी कर सकती है। मनुष्य भी बड़ा विचित्र प्राणी है। अपनों से नीचे के स्तर के लोगों को वो हे दृष्टि से देखता है, उनका उपहास उड़ाता है, उनसे बार बार कहता है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम भविष्य में कुछ नहीं कर पाओगे। जब मनुष्य के पास धन संपत्ति मान होता है, तो वो दूसरों का आदर नहीं करता, परंतु वो एक बात भूल जाता है कि उससे भी अधिक शक्तिशाली कोई अस्तित्व में है, और वो है समय। काल अपना चक्र कब बदलेगा ये कोई नहीं जानता, समय अपनी करवट कब लेगा ये कोई नहीं जानता। कोयला भी समय के साथ साथ हीरे में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए जीवन में कभी भी किसी का भी उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। बड़ी विकट समस्या है, मुझे स्मरण ही नहीं हो रहा कि इस गुच्छे की कौन सी चाबी इस ताले को खोलेगी। बड़ी देर से प्रयास कर रहा, परंतु ये ताला खुल ही नहीं रहा। ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? अधिकतर लोग ऐसी परिस्थिति में अपनी आशा खो बैठते हैं। उन्हें लगता है कि चाबी खो गई, वो तिलमिला जाते हैं, क्रोधित हो उठते हैं। परंतु उस समय धैर्य रखें तो गुच्छे की अंतिम चाबी ताला खोल सकती है। कुल्हाड़ी का अंतिम प्रहार वृक्ष को काट के गिरा देता है। परंतु क्या सत्य में कुल्हाड़ी का अंतिम प्रहार वृक्ष को काट के गिरा देता है? आपको आपका लक्ष्य दिला देता है? नहीं, आपका निरंतर प्रयत्न ही आपको सफलता दिलाता है। जब आपका मन निराश,
तो अपने कार में दुगनी उत्साह से जुट जाएगी, क्योंकि अनावृत बहता जल ही कठोर चट्टान को काट सकता है। सफलता का मूल है परिश्रम, प्रयास और आशा। मनुष्य का जीवन ऋतुओं के समान होता है। आज ग्रीष्म तो कल वर्षा, परसों शीत। तनिक संकट आया तो हम संयम खो बैठते हैं, तनिक ऋतु बदली तो हम अधीर हो जाते हैं। अपने आक्रोश में, अपने क्रोध में हम उनसे ही संबंध बिगाड़ लेते हैं जो हमारे अपने होते हैं। क्यों ऐसा होता है ना? हमें लगता है कि हमारे अपने हैं, फिर से मना लेंगे। परंतु स्मरण रखिए, सदा ऐसा करना संभव नहीं होता। सागर की उछलती लहरों को तट सहता है, और यदि तट ही टूट जाए तो बाढ़ आ जाती है। हमारे संबंध भी दूध की भांति होते हैं। दूध तपकर उबल सकता है, परंतु यदि उसमें खटास आ जाए तो वो फट भी जाते हैं। और फटे दूध को चाहे जितना मतलब, उसमें से माखन नहीं निकलेगा। इसीलिए अपने संबंधों को संभल कर निभाना चाहिए। कृष्ण ज्ञान के लिए अभी सब्सक्राइब करें।